गोगी की मौत के बाद विरोधी गैंग के कई गुर्गे मारे जा चुके हैं, लेकिन गोगी के गुर्गे का इंतकाम पूरा नहीं हुआ। जी हाँ, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाने वाला गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अब रोहिणी कोर्ट में मारे गए गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या का बदला लेना चाहता है। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट के मेन गुर्गे और विक्रमजीत सिंह बराड़ के करीबी पवन उर्फ मटरू को गिरफ्तार किया। जालंधर पंजाब का रहने वाला मटरू विक्रमजीत सिंह बराड़ के कहने पर हत्या करने दिल्ली आया था। उसे कौशल चौधरी के प्रतिद्वंदी सिंडिकेट लकी पटियाल के हाथों गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी की हत्या का बदला लेने के लिए दिल्ली भेजा गया था। काउंटर इंटेलिजेंस डीसीपी मनीषा चंद्रा के मुताबिक एएसपी राहुल विक्रम की देखरेख में इंस्पेक्टर विक्रम और निशांत की टीम ने पवन कुमार उर्फ मटरू को कश्मीरी गेट इलाके से 9 जुलाई को गिरफ्तार किया। पवन जालंधर के अपराधी मनदीप उर्फ मन्नार के साथ आपराधिक वारदातें करता था। इस पर हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, कार जैकिंग और फायरिंग करने के 11 मामले दर्ज। पूछताछ में आरोपी पवन उर्फ मटरू ने खुलासा किया कि वो 23 अगस्त 2021 को जमानत पर जेल से बाहर आया था, इसके बाद फरार हो गया। जेल में उसकी जान पहचान जालंधर के रहने वाले बब्बू मान से हुई। पुलिस के मुताबिक पवन को बाकी सहयोगियों से दिल्ली में मिलना था। यहाँ पर वो जितेंद्र उर्फ गोगी की हत्या का बदला लेने के लिए गिरोह के सदस्यों से मिलकर साजिश रचता था, लेकिन उससे पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे। खबरों की डोज नवदीप टुडे पर हर रोज।